के लिए हमदर्दी नहीं, उनको जम्मू कश्मीर के सीटों पर कुर्सी पर बैठने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। हमारी बच्चों को देश का बहुत बड़ा नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या यही नारा है? हमारी बच्चियां सड़क पर होगी, जब कोविड का दौर था जब हमारी बच्चों की जरूरत पड़ी एकदम इनको बुलाया गया, और जब कोविड खत्म हुआ, और कोई भी ये नहीं कह सकता है कि कोविड पूरी उम्र के लिए खत्म हो गया है, किसी भी वक्त कभी भी कोविड का दौर आ सकता है, और इन बच्चों को 3 महीने के लेने के बाद 5-5 महीने इनकी सर्विस दी, उसके बाद साल भर इनको सड़कों पर छोड़ दिया। मैं आज को ये बताना चाहता हूँ, आपके बच्चों के सामने ये कहना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री के पास ये लाइव वीडियो और डिटेल मेमोरेंडम दूंगा और इन बच्चों को वापस जवाब भेजूंगा, और यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यहाँ के जो सरपंच बने हैं, हम उनकी तानाशाही आने वाले वक्त में किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबसे गवर्नमेंट ये दावा करती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 370 और 35A के बाद हमें देखने को ये मिलता है, जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है, तब से आज तक जो भी डेली वेजर्स हैं, छोटे तबके के एम्प्लॉइज हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, ये हमारी बहनें हैं, हर एक नौजवान, हमारा भाई और हमारी बच्चियां सड़कों पर आपको मिलेंगे, यही बदलाव हमें देखने को मिलता है। कहीं कहीं मुलाजम डेली वेजर्स विदाउट सैलरी काम कर रहे हैं, इन बच्चों के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, मैं कहता हूँ कि जो जितना भी मजम्मत की जाए वो कम है। एक तरफ आप पूरे देश में ढंडोरा पीटते हो कि नारी का बच्ची का हम सम्मान करते हैं, क्या यही सम्मान है? जब आपको इनकी जरूरत पड़ी आप इनसे काम लेके बाद में सड़कों पर फेंक दोगे? और शर्म आनी चाहिए जम्मू कश्मीर के LG साहब को, यहाँ पर बैठी है, इनको इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पूरा रिपोर्ट देश के प्रधानमंत्री के कार्यालय में कल 11 बजे तक मैं पहुँचा दूंगा, मैं आप सबके साथ वादा करके जा रहा हूँ। बहुत बड़े बड़े दावा करते हैं और यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट को गुमराह करते हैं, यहाँ से रिपोर्टिंग जाती है जम्मू कश्मीर के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है, और यहाँ पर जो है आप खुद देख रहे हो जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है। आपका क्या कुछ कहना है? सर, हम ऑनलाइन लाइन से यहाँ पे खड़े हुए हैं सर, हमारी फीले अभी जो जैसे यहाँ पे सर आए हुए हैं, जैसे मैंने कहा कि इनको कंटिन्यू करना है, सर हम ये भी चाहते हैं कि हमें कंटिन्यू, अब हमें इनसे ही सुनने को मिल रहा है कि ये बोरे की सेंट्रल तक ये बात नहीं पहुँचाई जाती है, तो हम ये चाहते हैं कि ये सर बोरे ने हम चाहे आज मेरे भाई भाई ने जो भी है हम चाहते हैं हमारी बात सेंटर तक पहुँचे, और ये नरेंद्र मोदी जी जो है उनके सब तक के पास पहुँचे और हमें कंटिन्यू मिल जाए।